गुड मॉर्निंग सृष्टि, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम ऑल फाइन, थैंक यू. तो फाइनली आई एम सिटिंग विद अ जज, सृष्टि बनियाल. मुझे बहुत अच्छा फाइन. लग रहा है. अभी तक हम लोग जो है एक टीचर और स्टूडेंट थे, और अब जो है मैं एक जज के साथ बैठी हुई हूँ, और मुझे मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मैं जेन्युइनली बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए, और आपके पेरेंट्स की खुशी और मेरी खुशी में कोई कमी नहीं होगी, एक बराबर इक्वली होगी. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि थैंक यू आपने इस वेरी एग्जाम मच. को इतने आराम से क्रैक किया. आपने एक पेशेंस रखा, एक आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, और उसी का ये एक रिजल्ट है कि आज आप क्या हो, सिटिंग जज बन गए हो, है ना? तो मुझे ना सबसे पहले सृष्टि आप ये बताओ कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा था, तब उस टाइम पर क्या सीन था? आपने किस तरीके से अपना रिजल्ट देखा, और आपको किस तरीके की फीलिंग हुई? और आपने जब अपनी मम्मी को बताया इसके बारे में, तो मम्मी का क्या रिएक्शन था, मुझे ये जानना है सबसे पहले. मैम, कल मुझे एंटिसिपेशन था कि 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ सकता है, तो मैं सुबह से ही 100 बार चेक कर चुकी थी वेबसाइट, बार बार, हर 1 मिनट में. ना मुझे नींद आ रही थी, ना भूख लग रही थी, बहुत डर था मन में. और फाइनली जब मैंने सोचा कि चलो अब 6 बज गए, अब नहीं आएगा, रख दो फोन, आएगा तो आएगा, देखेंगे, जब मैं इस एटीट्यूड में चले गई, तब अचानक से मेरे फ्रेंड का फोन आया और उन्होंने कहा कि बधाई हो, तुम्हारी सेकेंड रैंक आ गई, सेकेंड रैंक आ गई. एंड आई वॉज लिटरली इन टीयर्स. आई सेड प्लीज इस बारे में मजाक मत करो, ये ऐसे मजाक नहीं होते हैं, और जस्ट गिव मी सम टाइम. मैंने तो अभी चेक किया था, ऐसा कुछ नहीं आया. एंड ही वॉज लाइक, नहीं 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 चेक करो, मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया. एंड व्हेन आई चेक इट, फाइनली भरोसा नहीं हुआ. एकदम ऐसा लगा कि अच्छा, मेरा ही नाम है ये, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद आएगा रिजल्ट अमेंडेड और ये गलती हो गई. तो बहुत शॉकिंग था. मम्मी ने देखा हो तो तुरंत शी वॉज इन टू टीयर्स. बहुत एक बस ऐसा फील हुआ उनको कि बेटी का अपने पैरों पे खड़ा होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को अटेन करना, शी इट वॉज हर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी. तो जैसे उन्हें लगा कि ये इंडिपेंडेंस आ गई, तो वो बहुत खुश हो गई थी. मुझे तो लगता है शायद उनका अल्टीमेट यही था, जैसे लोगों की माता पिताओं का होता है कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए, उनका अल्टीमेट था कि मेरी बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए. तो दैट फाइनेंशियली वाज अ थिंग. इंडिपेंडेंट ही नहीं हुई उनकी बेटी, अब वो जज बन गई हैं और एक बहुत अच्छी ओहदे पर बैठ गई हैं. और मैं आपकी मम्मी को भी, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, कभी फ़ोन पे आप मुझसे ज़रूर बात करवाइएगा. एंड मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी फीलिंग यही होती है. मतलब माँ बाप का सपना ही ये होता है कि उनका बच्चा कुछ बन जाए. आज मैं भी मदर हूँ, तो मैं, अब मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, पर फिर भी मुझे आज लगता है कि ये कुछ बन जाए, कर ले, तो बस इस जीवन का क्या होगा कि मेरा काम आपकी पूरा हो जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी. जी और वो मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी मदर की जो फीलिंग होगी ना, वो एक एक अलग ही लेवल की होगी, जिसको मैच नहीं किया जा सकता है ना? चलिए, मुझे आप एक बात बताओ सृष्टि, आप इस प्रिपरेशन में कब से थे? मैम, एम्बिशन तो मेरा फर्स्ट ईयर से ही क्लियर था. मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया 2017 में. तो एज सुन एज आई एंटर्ड दिस फील्ड, आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू परस्यू ओनली जुडिशरी. मेरे माइंड में कोई डेविएशंस नहीं थे. और बींग फर्स्ट वन इन द फील्ड ऑफ लॉ फ्रॉम माई फैमिली, दिस फील्ड रियली इंटरेस्टेड मी. जब मैंने जब मैं मेरे क्योंकि फर्स्ट ईयर से गोल क्लियर था, इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर से बहुत सिंसेयर थी इन सब चीज़ों में कि मुझे अपने प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करने हैं और चीज़ों को क्लासरूम में ही कंप्रीहेंड करते हुए चलना है. थोड़ा सा मैं कहूँगी कि कंजूस भी हूँ, तो मुझे लगता था कि कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो प्रोफेसर्स का पूरा फायदा लो, क्योंकि इतने बड़े प्रोफेसर्स हमें सामने देखने को मिल रहे हैं जिनकी बुक्स छपती हैं. तो मुझे था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पहले मेरा ये था कि यही मुझे सब कुछ क्लियर करना है, और जो नोट्स मैंने बना दिए यही मैं अपने वहाँ पढ़ूंगी उस समय भी. तो ऐसा चला है वो. और फिर फाइनली 4th ईयर आया, उस समय कोविड भी चल रहा था. तो माइंड में क्लियर था अपने सीनियर्स को सुनते हुए, जानते हुए, कि 4th ईयर अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, देन इट इज़ द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि 1 साल में आपकी तैयारी हो, एंड देन स्टिल यू गेट अनदर ईयर टू
ग्रैब योर सेल्फ स्टडीज, तो मैंने भी वही किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज टाइम ऑफ कोविड, कोचिंग सेंटर्स सब बंद थे और हम ऐसा फील होने लगा कि अब कहाँ जाएं, कैसे करें, एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन यू केम टू माय रेस्क्यू. मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा. मेरी स्ट्रैटेजी पहले से क्लियर थी कि अपने सीनियर्स के गाइडेंस के बेसिस पे कि मुझे मेंस अपना तैयार करना है पहले. आई नीड टू बी वेल वर्स्ड विद एवरी केस लॉ, एवरी सेक्शंस, ऑल द बेयर एक्ट. और तब जब प्रिलिम्स नज़दीक आए उस समय, या फिर जब कोचिंग पूरा, मेरी प्रिपरेशन पूरी हो, उसके बाद आई विल बी प्रिपेयरिंग विद माय प्रिलिम्स सेक्शन. तो उसी कोविड नवंबर में मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आई वाज सो फॉर्चुनेट कि मुझे इतनी अच्छी मेंटरशिप मिली. और मेंटरशिप ही नहीं, एज अ रियल फैमिली मेंबर. देखिए कोविड को 3 साल हो गए एंड 3 साल से एसोसिएशन एज इट इज मेंटेन. यस आई रिमेम्बर, हम लोग अराउंड 2020 में करीब हम लोग मिले हैं जब कोविड चल रहा था. दैट टाइम वी गेट इनटू कांटेक्ट और आज 2024 हो चुका है. मुझे मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और द आपका जो भी अप्रोच था, आपका एक जो कामनेस है ना, और एक लाइफ को अप्रोच करने का तरीका है, उससे समझ में आ जाता है कि बच्चा कहाँ पे जा सकता है. तो मुझे आपके अंदर हमेशा से पोटेंशियल दिखता था और मुझे, आप हार्ड वर्किंग तो थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गेट टू नो दैट यू आर हार्ड वर्किंग और देखो आज उसका रिजल्ट मिल गया. चलो मैं इस इंटरव्यू को हम एक उस पर बांटते हैं, देखिए तो उसी उस पर लेके चलेंगे. सबसे पहले तो सृष्टि में ये जानना चाहूँगी कि आपके ये जो थ्रू आउट जर्नी था, तो इस दौरान आपने क्या क्या यू नो प्रॉब्लम्स को फेस किया और आपने उनको क्या क्या ओवरकम किया. इससे मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो छोटी छोटी परेशानियों को भी लेकर क्या करते हैं, बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई सब साइड में छोड़ देते हैं और दे डोंट गिव, वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं. और मुझे पता है, मुझे तो पता है कि आपकी लाइफ में क्या हर्डल्स रहे, बट मैं चाहती हूँ कि एस्पिरेंट्स को पता रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने हर्डल्स को शेयर करो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को उससे मोटिवेशन मिले और वो जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बड़ा बड़ा इशू ना बनाएं और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, क्योंकि वही तरीका होता है मंजिल तक पहुंचने का और आप उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हैं, ये मैं जानती हूँ. ठीक है, तो प्लीज़ आप अपनी जो भी लाइफ का, आप जो ये प्रिपरेशन का जो जर्नी रहा, मुझे आप प्लीज़ वो शेयर करिए यहाँ पर. मैम जैसे कि मैंने बताया कि फोर्थ ईयर में मैं आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी मेन्स आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर रही थी एंड रोज प्रे कर रही थी कि कॉलेज इंजॉय करने के मिले और जल्दी से कोविड खत्म हो और घर की रोज लड़ाई झगड़े से हटें और कोविड के टेंशन से हट करके कॉलेज खुले. कॉलेज फाइनली खुले और जस्ट 15 डेज हुए थे कॉलेज खुले हुए. अभी साफ सफाई चल रही थी हॉस्टल के रूम्स की एंड सडनली मेरे पापा जो थे वो जब कॉल पे मुझसे कनेक्ट होते थे तो उनकी बातों में ना डिफॉर्मिटी सी आने लगी. उनके वर्ड्स बहुत क्रैक होने लगे. मीन्स अ सेंटेंस वर्ड सेंटेंस जिसमें वो वर्ड्स पुट कर रहे थे वो कुछ मीनिंगलेस से होने लगे. वी कंसल्टेड टू अ फिजिशियन एंड देन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम 4th stage कैंसर, लंग कैंसर. एंड वो भी तब जब उन्होंने ज़िंदगी में ना कभी स्मोक किया, ना कभी ड्रिंक किया, ना कभी बाहर का खाया. ही वॉज 9-to-5 जॉब पर्सन. जस्ट रिटायर हुए उन्हें 1 महीना हुआ. हमारे घर की पहली पार्टी थी उनकी रिटायरमेंट पार्टी. शादी के बाद उन्होंने पहली सेलिब्रेशन वही की और उसके जस्ट 1 महीने बाद व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद 4th stage लंग कैंसर, तो ऐसा लगा कि बस आसमान से बस टूट गया, पहाड़ टूट गया. क्योंकि हम इतने पैम्पर्ड चिल्ड्रन थे कि हमने कभी टमाटर भी बाजार से जाके नहीं खरीदा. तो अपने लिए कभी पेन भी हम खुद से नहीं लाए. वही हमारे लिए बेस्ट नोटबुक्स लेके आते थे. हम कहते थे कि अरे सस्ती वाली ले लीजिए, तो कहते थे नहीं, क्लासमेट में लिखिए, ये लिखिए, बेस्ट पेन से लिखिए. पढ़ाई लिखाई में कभी कमी नहीं की. और अब अचानक से 1 हफ्ते के अंदर उनकी कंडीशन इतनी बुरी तरीके से डिटेरिएट हुई कि कोई बताने वाला नहीं था कहाँ जाओ, क्या करो. रिश्तेदारों ने सपोर्ट किया बट इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग हमारे ऊपर ही था.
क्योंकि कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है ऐसे समय पे कि अगर कुछ गलत हो गया किसी के डिसीजन से तो क्या हो। उनकी सिचुएशन भी ठीक है, बट शायद हम भी उतने मेच्योर नहीं थे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। वी शिफ्टेड टू दिल्ली और तुरंत अपने सेमेस्टर, मुझे याद है इतनी चिलचिलाती हुई मई की धूप में 2022 में, मैं हॉस्टल कैंपस में इतनी धूप में मैं किताब को ऐसे लिए चल रही हूँ, सोच रही हूँ कि दिल्ली ले जाएं, वाराणसी ले जाएं, या मुंबई के टाटा मेमोरियल ले जाएं, कहाँ ले जाएं, क्या करें, 50 फोन कर रही हूँ और उसमें भी मेरे आंसू टपक रहे हैं। मुझे लग रहा है नहीं, मैंने सोचा था 5th ईयर में मुझे अब कंप्लीट हो रहा है, मुझे अब यूपी की वैकेंसी आ रही है, मुझे बस देना है और मैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स बना रही हूँ। तो बहुत वैसा फेस था, कैसे मैं अपने सेमेस्टर्स दे करके दिल्ली भागी, वहाँ हम लोग ने उन्हें एडमिट किया और 10 महीने जिस कंडीशन में वो रहे हैं, अचानक रात के 12-1 बजे उनकी नाक से ब्लीडिंग आने लगी। वो तो एकदम बेड रिडन हो गए थे, कैथेटर लगा था, वो एक तरीके से जिंदा लाश हो गए थे। न चल पा रहे, न बोल पा रहे हैं, बस लेटे हैं, उन्हें करवट बदलने के लिए भी एक इंसान चाहिए। और हमने पापा को हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन की तरह देखा है, जो मूछों को ताव देते हुए एकदम हर चीज से आगे, हमारे आगे खड़े, और वो इंसान इतना लाचार बिस्तर पे पड़ा था, नाक में पाइप लग गई है फूड के लिए, रात के 1-1 बजे एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वहाँ आईसीयू में जब उन्हें भर्ती कर रहे हैं तो हम लोग जमीन में बैठ के, मुझे याद है 31 दिसंबर था और 2022, और सब लोग, हम जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले गए सब लोग न्यू ईयर मना रहे थे, एंड आई वॉज फाइटिंग विद द इमरजेंसी स्टाफ कि न्यू ईयर बाद में बनाना, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल केस, प्लीज टेक इट। और वो लोग हम पे चिढ़ रहे थे और वो हमारी चिढ़ पेशेंट पे निकाल रहे थे उन्हें बहुत ब्रूटली हैंडल करते हुए। फिर मैं और उनसे झगड़ रही हूँ और फिर आईसीयू में वो एडमिट कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए एक दिन का पैसा बस आ रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है पेशेंट पे क्या यूटिलाइज हो रहा है। नहीं, जमीन में बैठ के उस दिन भी मैं ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज कर रही थी अपने फ़ोन में, फोटोज़ क्लिक करके, और वहीं पे पहली बार हम लोग ऐसे ज़मीन पे सोए हॉस्पिटल में। और ये डिसीजन भी हमें ही लेना था कि उन्हें आईसीयू में रखना है या नहीं रखना है। ऑल बिलोंगिंग्स रिलेटिव सब क्वाइट थे, कोई डिसीजन क्या लेगा इसमें, हमें ही लेना था। एंड आई थिंक हम उतने मेच्योर इनफ नहीं थे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। और फाइनली इन 2023 फेब्रवरी 11, यानी कि एक दिन पहले, यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स के एक दिन पहले, व्हेन आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा फॉर अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स, वी रिसीव्ड द न्यूज़ दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड आई जस्ट लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम। मुझे लगा था जब पेपर में दे के निकली कि पापा अगर सुन समझ पा रहे होंगे, बोल तो नहीं पा रहे हैं कुछ, पर अगर सुन समझ पा रहे होंगे तो मैंने बोलूंगी कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, अब सून मैं मेंस देने के लायक हो जाऊंगी। और पर मुझे वो मौका नहीं मिला। मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक और डॉक्टर को कंसल्ट करूंगी, अपने आप जाऊंगी वहाँ दिल्ली में, एक और डॉक्टर, वो रिटायर हो गए पर मैंने उनका पता किया था, पर मुझे वो भी मौका नहीं मिल पाया। जहाँ हम लोग रह रहे थे दिल्ली में, एक बहुत छोटा सा कमरा था, वहाँ लोग सपोर्टिव थे पर वही मैं नीचे बैठ के किताबों में अपना पढ़ रही थी, कभी जी के देख रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, सामने पापा बैठे हैं, वो खांस रहे हैं, उनका हर 15-20 मिनट में कैथेटर चेंज कर रहे हैं, यूरिन डिस्चार्ज करा रहे हैं। इवन आई रिमेम्बर आपने कई सारे मुझसे टेस्ट पेपर्स भी लिए थे कि मैम आप तो भेज दो उस मुझे, टाइम क्योंकि मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको देती रहूंगी पेपर, है ना। तो आई अंडरस्टैंड सृष्टि, मुझे पता है कि आपने एक बहुत टफ टाइम देखा है और डिस्पाइट ऑफ दिस हार्ड टाइम आपने अपनी जो है प्रिपरेशन को नहीं साइड में रखा, आपने ये चीज़ ध्यान में रखा कि आपके लिए प्रोमिनेंट क्या है। पापा से तो प्रोमिनेंट कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे हार्ड टाइम में भी जब हम अपने लक्ष्य की तरफ भी नज़र रखते हैं तो देखिए टफ होता है, हर एक के कप ऑफ टी भी नहीं होता है, आई आई नो दैट, लेकिन मुझे पता है कि आपने किया है और इसीलिए आप यहाँ पर आज बैठे हुए।
यही एक कारण है कि आप यहाँ पर बैठे हुए। जब आपका यूपी का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का और आपने क्वालिफाई नहीं किया था, तो आपने मुझे अपना ये वाला न्यूज़ भी दिया था, तो मुझे भी बहुत शैटर्ड फील हुआ था। लेकिन लेकिन मुझे तब पता था कि कोई बात नहीं, अभी तो ये परेशान है लेकिन आगे ये गेट थ्रू करेगी, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास था। चलिए मुझे आप ये बताओ सृष्टि कि आपने अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरीके का स्ट्रैटेजी रखा था? जैसे कि मैम मैंने बताया कि प्रीलिम्स से काफ़ी पहले से ही मैं मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रही थी, और फोर्थ ईयर में ही मैं अपनी मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रही थी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके थ्रू आपकी टेस्ट सीरीज से कर रही थी। और उसके बाद प्रीलिम्स जब अप्रोच हुआ तो पहले एक महीने, 2 महीने बचे थे यूपी के रिजल्ट के बाद उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स के लिए। तो 1 महीना तो मुझे अपने को गेटअप करने में लगा कि मेरा नहीं हुआ यूपी में, तो 1 महीना चला गया था। सेकेंड जो महीना था उसमें मैंने अपनी जान लगा दी, मैंने इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही एमसीक्यू बार बार सॉल्व किए, ताकि मुझे एग्जाम हॉल में ऐसा ना लगे कि मुझे क्वेश्चन तो याद आ रहा है पर आंसर कन्फ्यूजन हो रहा है कि 2 ऑप्शंस में से क्या है। वहाँ जो मैंने अप्रोच इस्तेमाल की एग्ज़ाम हॉल में, वो मैंने 3-tier अप्रोच इस्तेमाल की प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने में। पहले मैंने उन्हें सर्कल किया जो मुझे एग्जैक्टली आ रहे हैं, सेकेंड स्टेज में जिनमें मुझे 2 में कन्फ्यूजन है तो एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट में जब मैंने काउंटिंग की कि क्या नेगेटिव मार्किंग के बाद भी कितने क्वेश्चंस मुझे और अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे याद है मैं 50 बार टाइम पूछ रही थी मैम से अपनी इन्विजिलेटर से, क्योंकि हमें वॉच अलाउड तो थी नहीं कि, और मैं मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी कि अगर मैं इतने और अटेम्प्ट करूँ इसमें से प्रोबेबिलिटी इतने सही हो सकते हैं तो मुझे और कितने करने चाहिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को शायद उतना ध्यान नहीं देते, वो उतने क्वेश्चंस करके आते हैं जितने उन्हें आते हैं, और वो ये नहीं देखते पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई है। आपको उस कट ऑफ मतलब वो उतने क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं करते, अगर उनके सारे भी सही हो जाएं तो भी उन्होंने शायद उतने क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट किए कि कट ऑफ पार हो पाए। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके मैं एक एक क्वेश्चन का टाइम और मार्क्स लगा रही थी कि अगर ये सही हो जाए तो कितना, तो कुछ मुझे वहाँ पे तुक्के भी लगाने पड़े, लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि कट ऑफ कितने रेंज से मैं पार कर सकूँगी अगर इतने क्वेश्चंस और मैं करूँ। ऐसा भी मैंने नहीं किया कि मैंने सारे ही कर दिए बिकॉज इट वाज अ नेगेटिव मार्किंग पेपर, तो वो मैंने अप्रोच प्रीलिम्स के लिए इस्तेमाल की। अपने घर में भी मैंने ओएमआर शीट्स प्रिंट करके रखी, मैं ओएमआर शीट पे ही प्रैक्टिस करती थी। एक गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर में सब टिक मार देते हैं और फिर लास्ट में सर्कल करने, तो वो प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी थी क्योंकि उसमें अगर आपका एक भी सीरियल गलत हुआ तो सारा गलत होता चला जाता है। तो वो स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा प्लीज़ ना करें, जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस एनसर्कल करते हुए चले अपने ओएमआर शीट्स में। मेंस के लिए उत्तराखंड के लिए अप्रोच मेरी ये थी कि मेरे जो अपने क्लासरूम के नोट्स थे, 5-year लॉ के नोट्स थे, उनको मैंने अपने कोचिंग के नोट्स से सप्लीमेंट किया, प्लस जो करंट लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे थे डे टू डे में उनको मैंने करंट अफेयर्स को टच में रखते हुए, तो उनको मैंने उसमें यूटिलाइज किया अपने आंसर राइटिंग में। ऐसा नहीं किया माइंड में कि ये तो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लिया है तो इसका इसमें क्या काम है, मैंने अपने अभी मेंस के आंसर्स में भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी कि कोई भी चीज़ अगर छोटा सा भी रेफरेंस दे सकती है दूसरे एरिया का तो वहाँ पे आपको उसे बताना चाहिए। वो जो भी कोई करंट अफेयर्स भी है जो नॉन लीगल भी है उसे भी मैंने अपने प्रेजेंट डे के पेपर में ऐड ऑन किया, और शायद उसी लिए मेरे प्रेजेंट डे में मार्क्स भी अच्छे आए हैं काफ़ी, और जीके में भी अच्छे मार्क्स हैं। लैंग्वेज के पेपर के लिए मैंने एक बुक आती है पब्लिकेशन, उसे मैंने ट्रांसलेट किया, हमारे यहाँ ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग आती है। और स्टार्टिंग में तो जब मुझे ये सब पता भी नहीं था कि कौन सी बुक आती है क्या, तब मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को ट्रांसलेट करती थी अपने फ़ोन में, गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करती थी, फ़ोटो खींच के ट्रांसलेट करके और चेक करती थी कि मैं कितना एक्यूरेट कर पा रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि हमें केवल लीगल पैसेजेस को ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है, तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग द बुक। और फाइनली फिर इंटरव्यू का जब समय आया, पहले तो इट वाज वेरी हैपनिंग कि फाइनली मेंस हो गया किसी तरीके से, तो इंटरव्यू में मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। मैंने अगेन आपकी शरण में आ गई और मैंने आपसे कहा मैम, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैंने आपसे कहा कि आप
चाहे रोज मेरा मॉक ले लीजिए आप, बस मुझे ये पार करवा दीजिए। तो आपने मेरे इतने सारे मॉक लिए, मैं तो गिन भी नहीं सकती, 12-13 मॉक हमने शायद कर लिए होंगे साथ में, और इतने डाइवर्स क्वेश्चंस हमने साथ में किए, हर सब्जेक्ट को लिया, हमने सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच भी इस्तेमाल किए इंटरव्यूज में, कुछ इंटरव्यूज में केवल ओपिनियन और पर्सनल क्वेश्चंस भी हमने लिए, उनसे बहुत बहुत हेल्प मिली। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो कमियां अंडरस्टैंडिंग में मेंस में रह गई थी मेरी, मतलब केवल उस समय के लिए मगअप करने के लिए जो चीज़ें एज इट इज़ पढ़ ली थी, वो कंसेप्ट क्लियर हुआ जब इंटरव्यू के इंसान प्रिपरेशन कर रहा था, वो आपके साथ वो मेरी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हुई, और हियर इज़ द रिजल्ट फाइनली। और आपने जो मेरे बीच में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी लिए थे कुछ सब्जेक्ट्स के, तो हाँ, उसमें आपका आपको हेल्पफुल रहे वो रिकॉर्डिंग्स? बिल्कुल बिल्कुल मैम, तीनों क्रिमिनल लॉज का अमेंडमेंट आपने इतने अच्छे से बताया, वो मैंने आपसे लिया, और इसके अलावा जितने भी करंट लीगल टॉपिक्स में डेवलपमेंट हुआ CRPC में आपके रिकॉर्डिंग्स ने बहुत हेल्प की, क्योंकि CRPC से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, इंटरेस्टिंग भी लगता था, डर भी लगता था, बट द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स वर रियली हेल्पफुल टू मी इन ऑल द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। अच्छा मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताओ कि ना आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे और कितनी देर का आपका इंटरव्यू चला था? मैम मैं मॉर्निंग बैच के सेशन की लास्ट कैंडिडेट थी, तो मुझे लगा था कि अब जल्दी जल्दी शायद ये लोग ले लें, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के 35-40 मिनट्स का इंटरव्यू चला, लेकिन उन्होंने मेरे उसमें भी 35-40 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था। जब मैं हॉल से बाहर आई तो मुझे बहुत डर था, कि मुझे लग रहा था मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने IPR के क्वेश्चंस मुझसे पूछे, टैक्सेशन लॉ के पूछे, और सिचुएशनल बेस्ड थे, सिचुएशन बेस्ड के लिए मैं तैयार थी, बट विद रेफरेंस टू IPC CRPC मैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस के लिए नहीं तैयार थी जो सिचुएशनल बेस्ड हैं। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि CPC का ऐसा कौन सा केस है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब जैसे उन्होंने ये पूछा तो मेरे दिमाग में CPC के सेक्शंस घूमने लगे, तो मेरे मुंह से निकला कि सेक्शन 25 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास केस जा सकता है, अदरवाइज तो सेक्शन 15 में लोएस्ट कॉम्पिटेंट फोरम में ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं और कुछ बताइए, तो मैंने कहा फिर सर उसके अलावा तो रेड ज्यूरिसडिक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करे या SLP 136 में, तो उन्होंने कहा नहीं और कुछ बताइए। उन्होंने मुझसे फैमिली लॉ पे काफी क्वेश्चंस पूछे, जिसमें उन्होंने मुझसे डाइवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में डिफरेंस पूछा, और वो भी मैंने अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने मुझसे खुला मुबारक पे पूछा डिफरेंस, वो मैंने अच्छे से बताया। उन्होंने मुझसे IPR के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे, तो उसमें मुझे काफ़ी जगह सॉरी बोलना पड़ा, उसी वजह से मैं डर भी रही थी कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ होगा, क्योंकि IPR हमारे मेंस के सिलेबस में नहीं है। फाइव लॉ में मैंने पढ़ा था, बट वो बहुत लंबे समय से टच में नहीं था, तो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने उन्हें आंसर दिया। ये चीज़ अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया भी था अपने इंटरव्यू के जज्बात की, सॉरी मुझे काफ़ी जगह बोलना पड़ा था, लेकिन आई वॉज कर्टियस इनफ, और मुझे उन फेस पे एक सेटिस्फैक्शन लगा कि, और फिर बात है लगा भी कि हाँ इट वॉज नॉट ओनली नॉलेज टेस्ट, वो पर्सनैलिटी देख रहे थे कि अगर आप अच्छा। एक आंसर, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें एक सर थे उन्होंने ऐसे गुस्से में ना की तरफ ऐसे खिला दिया था, तो वो चेक करना चाह रहे थे कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो आई वाज कर्टियस इनफ टू बेग पार्डन फ्रॉम हिम एंड आई रिक्वेस्टेड कि मैं इस पे डेफिनेटली रिलुक करूंगी। चलिए, वो तो मैंने भी आपको बोला था कि वहाँ पे नॉलेज तो मेंस क्लियर करके बच्चा गया है, तो वहाँ पर वो लोग नॉलेज तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो आपका प्रेशर भी चेक करते हैं। मुझे याद है आपने जो पहला मॉक मुझे दिया था, फिर मैंने कहा था सृष्टि क्या हो गया है, क्या आप मेरे ही स्टूडेंट हो, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। लेकिन वो नर्वसनेस जो होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ जो, और जो हमने लास्ट फाइनल मॉक लिया था जब मैंने आपको, आप शायद किस दिन 29th या 30th को निकल रहे थे, तो उससे एक दिन पहले हमने लास्ट मॉक लिया था, तो उस दिन जो है आप बड़े
कॉन्फिडेंट थे और मैंने कई सारी जगहों पर आपको पर्सनली भी वो करवा दिया था कि ये करना है वो करना है। चलिए ये अच्छा हुआ, अल्टीमेटली मेहनत जो है वो सफल और रंग लेके आई है। कुछ सृष्टि में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप खाली उत्तराखंड के स्टेट के लिए फोकस थे या फिर आपने और भी स्टेट्स को फोकस किया हुआ था? मैम मैं उत्तराखंड और यूपी के लिए ही फोकस थी क्योंकि मैं अपना टारगेट फिक्स रखना चाहती थी, वरना अलग अलग सब्जेक्ट्स में इन व्यक्ति को अलग अलग लोकल लॉज पढ़ने पड़ते हैं, फिर वहाँ नहीं हुआ तो वो मेहनत, फिर न जाने अगली वैकेंसी कब आएगी, और जब आएगी तब आपको फिर से उन्हें मगअप करना पड़ेगा। तो मैं स्टेट ओरिएंटेड थी। पढ़ने पड़ जाते हैं आपको? हाँ, एक डर मुझे ये भी बहुत था कि अब नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने पड़ेंगे, और मेनली दिक्कत ये है कि हमें सेक्शंस और आर्टिकल्स भी मगअप करने, सेक्शंस और आर्टिकल्स मगअप करने पड़ते हैं, और वो सब पुराने वालों से कन्फ्लिक्ट करेंगे, माइंड में हमेशा पुराने आएंगे, ऑप्शंस में नए लिखे होंगे, तो मैं इस, ये भी मेरे अंदर डर था कि बस किसी तरीके से इसी बार मैं नैया मेरी पार हो जाए। और अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती थी, जैसे मेंस में आप जब अपनी प्रिपरेशन करते थे, जब आप, मैंने आपके आंसर्स देखे हैं, यू राइट वंडरफुल आंसर्स, आई कैन प्राउडली से कि आप मेरे स्टूडेंट हो और आपके इतने वंडरफुल आंसर्स रहते थे आंसर शीट्स में। तो मैं ये भी चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, आप मुझे ये बताओ कि आप जो है ना, जैसे मैंने देखा है आपके आंसर में ना स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ से, कहाँ पर होना है, और बीच में हमें कितना कॉन्टेंट डालना है, दिस वॉज वेरी क्लियर इन योर आंसर्स हमेशा से। तो आप इस चीज़ को प्रिपेयर कैसे करते थे या किस तरीके से रिवीजन करते थे अपना, कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाता था कि मुझे ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, इन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। ये एक प्रेजेंटेशन की चीज होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता तो होता है लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को किस तरीके से काम करना चाहिए? मैम कुछ तो मैं कहूंगी, ये इनहेरेंट भी है, माय फादर वाज अ परफेक्शनिस्ट, मुझे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ है, लेकिन उन्हें मेरी राइटिंग कभी पसंद नहीं आती थी, और कितनी मार्जिन आपको दोनों साइड छोड़नी चाहिए, इस चीज़ में भी मैंने इस उम्र में भी बहुत डांट खाई। तो और क्या एक इनिशियल स्टेज होनी चाहिए आंसर की, आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जो पूछा गया उस बॉडी को बताइए, उसके बाद आप थर्ड स्टेप में उसे रेलिवेंट केस लॉज से एडअप कीजिए, और अगर कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप अपना जो आंसर है उसे सम अप कर सकते हैं तो उसमें कीजिए। जैसे मैंने अभी इस मेंस में काफ़ी लेंदी पेपर था, समय भी कम था, मैंने काफ़ी जगह डायग्रामेटिक अप्रोच भी इस्तेमाल की है, और जैसे जगह कम बच जाती है अगर नीचे, तो मैंने स्लैंट, मैंने हॉरिजॉन्टली मैंने डायग्राम में सारे ऑप्शंस लिख दिए हैं। तो एक अप्रोच थी क्लियर कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कोई मैगजीम्स है तो उन्हें बताइए बेसिस क्या रहा है उस क्वेश्चन का, मेन बॉडी में 4-5 लाइन में आप बताइए कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, सप्लीमेंट इट विद केस लॉस और एनी इलस्ट्रेशन, नॉट नेसेसरी केस लॉस, और उसके बाद आप उसे कंक्लूजन ज़रूर दीजिए, ऐसे नहीं कि एब्रप्ट एंडिंग कर दी या पता ही नहीं चला कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, जिस चीज़ से आपने शुरू किया है उसी चीज़ पर लाके कंक्लूजन पैराग्राफ आपका ज़रूर होना चाहिए। चलिए, और मुझे आप ये भी बताओ कि जब आप इस थ्रू आउट जर्नी में लो फील करते थे, होता है कई बार जब हम लो फील करते हैं, होगा नहीं होगा, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मैम आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे बहुत मुट्ठी भर दोस्त हैं, पर जो हैं दे आर जेम्स, मैं या तो आपको फ़ोन घुमा देती थी या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं पूजा, सूर्यांश, शुभम, ये लोग विनय, ये लोग ऐसे दोस्त हैं कि दे हैव शेयर्ड मी अप थ्रू आउट, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि जो आप फेस करके आ चुके हो उससे मुश्किल शायद ही ज़िंदगी में कुछ है। तो बस वो था कि जब अब तब हार नहीं मानी तो अब तो प्राउड फील कराने के लिए, एंड इसमें तो हम कुछ लूज़ भी नहीं करेंगे, मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि उसमें तो एक डर था कि मेहनत के बाद भी हम व्यक्ति को लूज़ कर सकते हैं, इसमें ये है कि हमें नौकरी ऐसे तो नहीं मिल के कोई छीन लेगा, इसमें तो है अगर कुछ होगा ही अच्छा तो नौकरी मिलेगी, और नहीं होगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। तो यही मैंने कोट पीछे अगर आपको दिख पा रहा होगा, डिसिप्लिन इक्वल्स टू 1/regret। यस, आई वाज डिसिप्लिनड अकॉर्डिंगली। आप एक जेम बच्चे हो बेटा, आपके मम्मी आपके पापा फॉर्चुनेट हैं कि उनको आप जैसी बेटी मिली। थैंक यू सो मच।
यस, ये मैं कह सकती हूँ और फक्र से कह सकती हूँ। और मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप जो है मेरे स्टूडेंट हो। आई एम वेरी वेरी प्राउड और मेरी आज छाती फूली हुई है। मैं प्राउडली फ्लॉन्ट कर रही हूँ कि यस, मेरी स्टूडेंट जो है वो सेकेंड रैंक के साथ सिलेक्ट हुई है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में तो यार कितनी कम वैकेंसीज आती हैं। हाँ, टोटल वैकेंसी शायद 16 और 17 थी, और 16, जिसमें जनरल कैटेगरीज में से 5 वैकेंसी थी, उसमें आपका सेकेंड नंबर है। अब लास्ट मॉक तो उस दिन ना, आई आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने उस दिन जब आपका मॉक लिया था ना, तो मुझे उस दिन इंट्यूशन आ गए थे कि सृष्टि विल कम। मैं तो फर्स्ट का ही सोच रही थी, ये फर्स्ट सेकंड में आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाएगी, पर मैं आपको बोल नहीं सकती थी उस टाइम पर ना, मुझे बोलना नहीं था, तो मैंने आपको बोला नहीं था। और देखो आप सेकेंड रैंक के साथ गए हो, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की सृष्टि। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे बारे में क्या कहना चाहती हैं। वर्ड्स कम पड़ जाएंगे मैम, बट ओवरऑल आई कैन से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेमेंट लेते हैं और फिर अपनी ड्यूटी पूरी करके स्टूडेंट को टाटा बाय बाय कह देते हैं। आप मेरे साथ कोविड के उस दौर, कोविड के समय भी थी, उसके बाद हमारे बीच ब्रेक भी हो गया था जब मैं अपने फादर के एलिमेंट से डील कर रही थी। उसके बाद भी जब मैंने आपसे अपने आपके लेक्चर्स और आपके जो क्वेश्चन पेपर्स थे मेंस के, वो मैंने मांगे आपसे, एंड यू वर देयर फॉर मी। तो मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला जो कि इतने लंबे समय, 3 साल तक एक ही फीस के बेसिस पे सब चल रहा है, सब कुछ मॉक के बेसिस पे इंटरव्यू भी ले रहे हैं और पर्सनल गाइडेंस भी दे रहे हैं, अपने लेक्चर्स भी दे रहे हैं। कुछ अमेंडमेंट आपने एक बार मुझे अपनी मैगजीन भी भेजी थी करंट अफेयर्स की, तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा, बट इट वॉज अ बॉन्ड जो आपसे क्रिएट हो गया था। मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज़ ये जो यूट्यूब कल्चर है कि यूट्यूब से पढ़ लिया और हो गया, प्लीज़ इस पर रिलाय मत कीजिए। आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैं यूट्यूब का यूज़ केवल अगर मुझे कोई सब्जेक्ट जो जिसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज कर लिया है, एक ही नोट से, अपने पर्सनली बनाए हुए नोट से जो मैंने एक बार रट लिए हैं चीज़ें, एक बार समझ ली हैं, उसी को मैं बार बार पढ़ती थी और वो मेरे दिमाग में छप गया था कि इस साइड ये लिखा है, इस साइड ये लिखा है, यहाँ पे डायग्राम है, ये रेड कलर से है, ये ब्लू कलर से। और यूट्यूब की वीडियोस का यूज मैं केवल तब करती थी जब मैं 2x की स्पीड पे चला करके उसे 1 घंटे में अपना एक सब्जेक्ट बंद कर सकूँ, ताकि मुझे एक सब्जेक्ट करने में, अगर मैं पर्सनली करने बैठती थी तो मुझे लगता था ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को खींच लेती थी। तो YouTube ऑब्वियसली इट इज़ अ बून फॉर एवरी वन ऑफ अस, बट उसका जुडिशियस यूज़ करें, क्योंकि हम YouTube खोलते तो हैं स्टडी पर्पज से, पर हम चले जाते हैं रील्स देखने के लिए, तो देखो उस चीज़ से प्लीज़ बचें। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे बहुत ज्यादा भ्रमित भी हो रहे हैं। मैं इवन अपने लाइव लाइव सेशन में भी सृष्टि कहती हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि, और मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि यार हमको एक पहले मेंस पर फोकस करना है, फिर हम इंटरव्यू और जो है हमारा प्रीलिम्स होता चला जाएगा। पर अगर हमारा मेंस नहीं हुआ है, अब आप खुद सोचो, अगर आपने मेंस में 2020 में फोकस नहीं किया होता और आप जब ये नोटिफिकेशन आता तब आप सोचते कि मैं मेंस का पढ़ूंगी, तो कैसे पढ़ लेते? आपको टाइम मिलता भी नहीं और आप उतना, आप रैंक तो छोड़ो, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। ये जो सिलेक्शन विद रैंक हुआ है उसकी रीजन ही यही है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया हुआ था, दैट स्ट्रैटेजी वॉज क्लियर इन योर माइंड एंड आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, एंड आई एम सो प्राउड कि आपने उस चीज को, क्योंकि ये ना, ये पेशेंस जो है ना, वो हर एस्पिरेंट में नहीं होता है, हर एक को 2 महीने में चाहिए। अभी आरजेएस का वैकेंसी निकला हुआ है, 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, 2 महीने में क्या करना है, जज बनना है। आईएएस और जुडिशरी का एग्जाम, एटलीस्ट मैं इन दोनों के बारे में जानती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, एटलीस्ट ये एग्जाम्स नहीं निकलते। आई यू एग्री विद मी, डू एग्री विद मी और नॉट? डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। चलो आप मुझसे मिलने कब आ रहे हो जयपुर? मैम मैंने आरजीएस भरा था, उसी का रिजर्वेशन पे, अब शायद आरजीएस तो नहीं दूंगी पर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बिल्कुल आना पड़ेगा आपको मुझसे मिलने के लिए, फिर मैं आपके पास उत्तराखंड आऊंगी आपकी कोठी पर रहने के लिए, सरकारी डेफिनेटली कोठी मैम। पर। चलो सृष्टि, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग विद यू, एंड आई नो कि आपका ये जो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है, इसके थ्रू बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प होगा, क्योंकि आपके जो जर्नी रही है वो आसान बिल्कुल भी नहीं थी। स्टिल, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑर्डील्स, यू रिमेन मोटिवेटेड।
आपको आपका गोल पता था और आपको क्या करना था ये आपको पता था। और मैं स्टूडेंट से ये भी कहना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ा बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में रहती हैं। आज एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, और हर एस्पिरेंट की लाइफ में आती है, हर एस्पिरेंट के लाइफ में आती है। और प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब एस्पिरेंट्स उस प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं और अपनी पढ़ाई को साइड में रख देते हैं। फिर क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को ही सुलझाते हो और अपनी जो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ को देखना है वो आप रह जाता है। ये दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं, ये दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं, एंड आई कैन से दैट सृष्टि इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। शी इज़ वेरी ब्रेव गर्ल एंड मुझे इस पे बहुत गर्व है। और मुझे पता है बहुत सारे मेरे और भी जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी आरजेएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है और वो भी सब इसी तरीके से क्लियर करेंगे। एंड मैं तो वैसे भी ईगर हूँ कि मुझे सिलेक्शंस चाहिए, आई रियली वर्क फॉर सिलेक्शंस, यू नो दैट। तो मुझे पता है कि जल्दी जल्दी फटाफट में जो है हमारे आरजेएस के भी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी हम इसी तरीके से इंटरव्यू लेंगे। चलो सृष्टि, थैंक यू सो मच प्रणामी, और प्लीज आप मेरे रिगार्ड्स अपनी मदर को दीजिएगा, डेफिनेटली, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और हम कनेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय सृष्टि, थैंक यू सो मच, थैंक यू।